वेलकम टू इजी कुक शो। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ रबड़ी की रेसिपी, और ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है नॉर्थ इंडिया की। बच्चे से लेकर बड़े सभी इसे काफी खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई स्पेशल ओकेजन हो या फिर कोई स्पेशल मेहमान आए हो, तो आप रबड़ी को आसानी से बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कुछ ही इंग्रेडिएंट से ये बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस टेस्टी मलाईदार खुरचन रबड़ी की रेसिपी को बनाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। उसमें मैं डालूँगी अब 1 लीटर फुल क्रीम दूध। गैस के फ्लेम को यहाँ पे हाई रखेंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। दूध में एक उबाल आ चुका है तो हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और अब एक छोलनी की सहायता से हम कंटिन्यू दूध को चलाते रहेंगे ताकि ये हमारा तली में ना बैठे। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जब हमारे दूध की ऊपरी सतह पर मलाई जमने लगे तो हम मलाई को किनारे करते हुए कढ़ाई में सटा देंगे, ताकि हमारा जो मलाई है वो कढ़ाई के चारों ओर अच्छी तरीके से किनारों पर जम जाए। ये प्रोसेस को हम 4 से 5 बार करेंगे। जब भी हमारा मलाई ऊपरी लेयर पे आज जम जाएगा तो उसे हम कढ़ाई के चारों तरफ लगा देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा मलाई है वो बाद में जब हम रबड़ी में डालें तो वो काफ़ी सोंधा लगे खाने में, क्योंकि खुरचन वाली रबड़ी में तो मलाई सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमें दूध को कंटिन्यू चलाते रहना है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, हम इसे भी अच्छे तरीके से चॉप कर करके इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, क्योंकि रबड़ी में जनरली ड्राई फ्रूट्स नहीं होता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं और साथ स्टर करते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए एक बार फिर से मलाई जम रही है, तो मैं कढ़ाई के किनारों पर लगा देती हूँ। हमें यहाँ पर दूध को 1/3 रिड्यूस करना है, यानी कि अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो आपको उसे 200 ml तक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है, हमारा दूध भी यहाँ पे लगभग आधा रिड्यूस हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे शुगर। फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद है तो आप डालें, वरना इसे स्किप कर दें। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी किनारों पर जो हमारी मलाई जमी हुई है कढ़ाई में, उसको एक स्पून की सहायता से अच्छे से छुड़ाते हुए दूध में डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। मलाई जाने के बाद देखिए दूध का कलर कितना चेंज हो गया और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम मार्केट वाली रबड़ी की तरह। और इसे थोड़ा सा और हम स्टर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमारा दूध लगभग सूख गया है, तो हम देख लेते हैं अब एक स्पून की सहायता से। ये देखिए हमारी मलाई वाली खुरचन रबड़ी एकदम रेडी है। अभी आपको ये थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन ये जब ठंडी हो जाएगी तो हमारा जो दूध है और थोड़ा सा सूख जाएगा। तो आप इसे इसी लेवल पर उतारें, ज़्यादा सूखा कर ना उतारें। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी रबड़ी थोड़ी सी और जमकर गाढ़ी हो गई है, एकदम परफेक्ट है ये कंसिस्टेंसी रबड़ी का। अब हम इसे सर्व करेंगे कुल्हड़ में। कुल्हड़ में रबड़ी डालने से रबड़ी का जो टेस्ट होता है वो और सूंधा हो जाता है। तो आप इसे कुल्हड़ में, आपके पास कुल्हड़ है तो आप उसी में सर्व करें, नहीं तो फिर आप कोई भी बॉल में इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एकदम बाजार जैसी खुरचन वाली मलाई रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। देखा ना कितना इजी है इसे बनाना। इस पर आप चाहो तो थोड़ा सा और चॉप ड्राई फ्रूट्स से सर्व कर सकते हो। ये मैंने ऊपर से इस पर ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है ताकि ये थोड़ा दिखने में और अच्छा लगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डालो या ना डालो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मलाई रबड़ी एकदम बन के तैयार है। आप इसे गेस्ट को ठंडा ठंडा सर्व करें या फिर खुद भी खाएं गर्मियों में बनाकर, ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी एक नेक्स्ट रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।